कांग्रेस पार्टी मोर्चा कैसे क्षमा मांगेगी? छात्र और कर भी सकते, कांग्रेस पार्टी जिसके डीएनए में है कि हमने अभिव्यक्ति की आजादी नहीं देनी, हमने पत्रकारों को आजादी नहीं देनी, सत्ता में बैठे हैं जो फेल है, जो जैसी पावन सैंप्रदोदा के घर की भूमि की जमीनों का पत्रकार ने ये पूछा कि राहुल गांधी की क्या सस्ते दाम में जमीन लेके पैसा कमा रहे हैं, हिंदुओं पे अत्याचार हो रहे हैं, उसकी बात नहीं है उठाएंगे, भगवान को बेचने का काम बीजेपी पिटाई की गई, उससे धक्का मुक्की की गई, उससे दुर्व्यवहार किया गया, भगवान राम का मंदिर उसका फोन उसे छीन लिया गया, उसके फोन से डेटा डिलीट कर दिया गया आपने, और तो रेलवे जानकारी आज ऐसे ने बताया कि उसका तमाम सारे शब्दों का अर्थ क्या होता है, तो कर क्या रहे हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, कर क्या रहे हैं कि हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं, उनसे किसी की भी हत्या करवा देते हैं, उसको इनकाउंटर जैसा नाम दे देते हैं, दुर्दांतता के साथ बयान देते हैं, दुर्व्यवहार किया जाता है, जाति और धर्म के लोगों का नाम लेते हैं, ये नहीं संविधान इजाजत देता है किसी संवैधानिक पद के मुख्यमंत्री को, तो दिखता है आप पुतला फू को कुछ नहीं करो, अभिव्यक्ति की आजादी के विरोध हिसाब मांगने जा रहे हैं, और अगर आप हिसाब नहीं दे पाए तो जमानत जब्त प्रोग्राम का स्टार्ट होने जा रहा है, उत्तर प्रदेश में 24 में आया है, 27 में भी बुरी तरीके से आएंगे, ये आपसे वादा है, लेकिन इसके बाद बुलडोजर का मुंह निश्चित तौर पे की धरती पर की तरफ होगा। थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो, इफ यू लाइक इट प्लीज प्रेस द लाइक बटन, शेयर योर व्यूज इन द कमेंट सेक्शन, एंड प्लीज सब्सक्राइब टू इंडिया न्यूज़ टीवी फॉर मोर सच अपडेट्स।